दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सवेरे सीबीआई ने छापेमारी की। इस गल की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सीबीआई आई है, उन्हों का स्वागत है। असि कट्टर ईमानदार हाँ, लखा बच्चों का भविख बना रहे हाँ। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश च जो चंगा काम करता है उसनू इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए साडा देश अजे तक नंबर एक नहीं बन सकिया है। उन्होंने कहा कि असि सीबीआई का स्वागत करते हैं अते ओ जांच पूरा सहयोग देंगे ता जो सच जल्दी सामने आ सके। उन्होंने कहा कि हुण तक मेरे ते कई केस किए गए पर कुछ नहीं निकलिया, इस चो भी कुछ नहीं निकलेगा। देश च चंगी सिक्ख्या लई मेरा काम रोकिया नहीं जा सकता। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये लोग दिल्ली की सिक्ख्या अते सेहत दे शानदार काम तो परेशान हैं, इसलिए दिल्ली दे सेहत मंत्री अते सिक्ख्या मंत्री नू फड़िया है ता जो सिक्ख्या सेहत दे चंगे काम रोके जा सकन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली दे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे घर सीबीआई दे छापेमारी तो बाद ट्वीट करके कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत दे सब तो बेहतरीन सिक्ख्या मंत्री है। अज यूएस दे सब तो वड्डे अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दे फ्रंट पेज ते उना दी फोटो छापी है। अज ही मोदी जी ने उना दे घर सीबीआई भेज दिती है। इस तरह भारत अगे किस तरह वधेगा। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे घर कीती गई सीबीआई छापेमारी नूं लेकर कहा कि जिस दिन अमरीका दे सब तो वड्डे अखबार न्यूयॉर्क टाइम दे विच दिल्ली दे सिक्ख्या मंत्री अते सिक्ख्या मॉडल दा जिक्र किया गया ते तारीफां कीती गई, उसे दिन सिसोदिया दे घर सीबीआई दी रेड कीती गई, सीबीआई उत्थे भेजी गई। दिल्ली दे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे घर दे नाल नाल पंजाब दे विच भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। छापेमारी शराब नीति नूं लैके कीती जा रही है। कुल 21 थावां ते छापेमारी कीती जा रही है। कई सरकारी अफसरां दे घरां ते भी छापे मारे जा रहे हन। दिल्ली दे साबका एक्साइज कमिश्नर ई गोपी कृष्ण दे घर भी छापेमारी कीती जा रही है। पंजाब च इसे संबंध दे विच छापेमारी कीती जा रही है। हले कई वड्डे खुलासे होने बाकी है, लेकिन किते ना किते सियासत जिहड़ी है ओ पक गई है।